छह अभिनेत्रियां जिन्होंने शादी के बाद छोड़ दिया काम। नंबर सिक्स, चारू असोपा। टीवी शो मेरे अंगने में की अभिनेत्री चारू असोपा इन दिनों बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। साल 2019 में चारू ने शादी की थी राजीव सेन से। आपको बता दें कि राजीव सुष्मिता सेन के भाई हैं। सूत्रों का ये कहना है कि चारू का शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं चल रहा। एक इंटरव्यू के दौरान चारू ने ये खुद खुलासा किया कि उन्हें शादी के बाद काम करना बंद कर देने के लिए कहा गया था और घर में रहकर खाना बनाने के लिए जोर किया गया, जिससे कि उनके पति राजीव खुश रहें। चारू ने ये भी कहा कि उन्हें ये तक बोला गया कि अगर तुम काम करती रहोगी तो तुम्हारा शादीशुदा जीवन अच्छे से नहीं चलेगा। चारू ने बताया कि वो जब ऑडिशन पे जाती थी तो राजीव उन्हें बुरा भला कहते थे और मैसेजेस भी करते थे। नंबर फाइव, ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना भी अपने वक्त की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना लंबा करियर नहीं बना पाई। साल 2001 में ट्विंकल ने शादी की अक्षय कुमार से। शादी के बाद से ही ट्विंकल ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और उन्होंने बतौर अभिनेत्री काम करना बंद कर दिया। आखिरी बार ट्विंकल नजर आई थी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा में। नंबर फोर, नम्रता शिरोदकर। नम्रता शिरोदकर 90 की दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हुआ करती थी। फिल्म जगत में उन्होंने हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्में भी की हैं। साल 2005 में नम्रता ने शादी की साउथ सुपरस्टार महेश बाबू से। शादी के बाद नम्रता ने फिल्मों से दूरी बना ली। आखिरी बार वो साल 2004 में आई फिल्म ब्राइड एंड प्रीजुडिस में नजर आई थी। नंबर थ्री, आसीन। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आसीन एक मशहूर अभिनेत्री रही हैं। भले ही अब आसीन फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में की हैं। साल 2016 में आसीन ने शादी की राहुल शर्मा से। शादी के बाद आसीन ने फिल्में करनी बंद कर दी। आसीन साल 2015 में आखिरी बार नजर आई थी फिल्म ऑल इज वेल में। आसीन फिलहाल अपने परिवार वालों के साथ रहती हैं और उनके साथ ही अपना हर पल गुजारती हैं। उन्हें एक बच्चा भी है। नंबर टू, शबाना रजा। शबाना रजा उर्फ नेहा ने साल 2006 में शादी की अभिनेता मनोज बाजपेयी से। शादी के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि वो अपने निजी जीवन का खास ख्याल रखना चाहती थीं और अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश करना चाहती थीं। शबाना ने साल 1998 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म करीब से, जिसमें उनके साथ थे बॉबी देओल। नंबर वन, बबीता कपूर। करीना कपूर और करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने साल 1971 में शादी की रणधीर कपूर से। शादी के बाद ही उन्होंने अपने फिल्मी करियर पे पूर्ण विराम लगा दिया। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।